नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर सिक्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज सुपर सिक्स में बात ऐसे चोरों की होगी जिन्होंने पड़ोसी के घर चोरी कर किया अपने मौज का इंतजाम और जब पुलिस पकड़ने गई तो टॉयलेट में घुस गए। बात एक ऐसे सरपंच की जो बच्चों के लिए बन गई टीचर। बताएंगे आखिर कहां हाथी के डर से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। बात अनूठी शादी की भी करेंगे, ये बताएंगे कि आखिर कहां हेलमेट कर रहे हैं कूल। बात धमाकेदार ढक्कन की भी करेंगे। रुपए पैसे सोने चांदी की चोरी आपने सुनी होगी, लेकिन अनूपपुर में पुलिस की पकड़ में ऐसे चोर आए हैं जिन्होंने पड़ोसी के घर से ही कूलर, फ्रिज, टीवी और सिलेंडर पार कर दिए। गर्मी के मौसम में ये चोर कूलर की ठंडी हवा खा रहे थे, फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे थे और जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो चोर टॉयलेट में घुस गए। गर्मी के मौसम में कूलर की ठंडी हवा मिल जाए, फ्रिज का चिल्ड पानी मिल जाए, चिलचिलाती दोपहर में मनोरंजन के लिए टीवी मिल जाए, भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। आमतौर पर लोग ये सभी सुविधाएं अपनी जेब से पैसे खर्च कर घर लाते हैं, लेकिन जरा इन्हें देखिए। पिछले कई महीनों से ये पड़ोसी के कूलर, फ्रिज और टीवी से मौज उड़ा रहे थे और तो और अपने घर में खाना तक पड़ोसी के सिलेंडर पर बना रहे थे। मामला अनूपपुर का है। यहाँ एक घर से टीवी, फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर सब गायब हो गया। फरियादी पुलिस के पास पहुंचा और जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि चोर कोई और नहीं फरियादी के पड़ोसी ही थे। फरियादी राम विशाल राठौर द्वारा दिनांक 30/3/24 को सोने मकान में सीट तोड़कर चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी, जो जरिए मुखबिर लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही। जो आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली कि फला व्यक्ति का हाथ हो सकता है, जो उसके घर में दबिश दी गई। घर की महिलाओं द्वारा बताया गया कि सरोल 5 बजे निकल गया, घर में नहीं है। जब पुलिस तलाशी ली तो विवेक सिंह अपने लैट्रिन रूम में छुपा हुआ बैठा था। चचाई थाना क्षेत्र के अमलाई ग्राउंड के नजदीक रहने वाले राम विशाल राठौर के घर चोरी हुई थी। चोर घर का लाखों का सामान लेकर भाग गए थे। ये चोरी पड़ोसी ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। चोर घर से चुराए गए सामान का इस्तेमाल भी कर रहे थे और जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो चोर टॉयलेट में जाकर छिप गया। पुलिस ने चोर को टॉयलेट से गिरफ्तार किया और चोरी का सामान भी बरामद किया, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लेके आई। जिसने अपने एक साथी और राज बर्मन का नाम बताया, उसको भी घर से उठाई और चोरी होने की बात इसने कबूल कर ली। जो टीवी, फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर अपने घर में रखा होना बताया, जो पुलिस गवाहों के समक्ष बरामद करके थाने ले आई। पड़ोसी के घर से फ्रिज, कूलर, टीवी और सिलेंडर चुराना और पकड़े जाने पर टॉयलेट में जाकर छिप जाना, अनोखे चोर हैं ये, लेकिन चोरी इन्हें भारी पड़ गई है। अब कूलर की नहीं, ये चोर जेल की हवा खाएंगे। न्यूज 18 के लिए अनूपपुर से रवि कुमार ओझा की रिपोर्ट। रील के लिए कुछ भी करेगा, आजकल कई लोगों की सोच यही है, लेकिन इस चक्कर में कई बार जान आफत में आ जाती है। एक लड़की बारिश के दौरान छत पर रील बना रही थी, लेकिन तभी गिरी बिजली। आप देखिए बिजली वाली रील। रील के चक्कर में आजकल लोग क्या क्या नहीं कर रहे, कई लोग तो अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। जरा इधर देखिए, ये लड़की बारिश के दौरान छत पर रील बनाने गई है, लेकिन तभी बिजली गिरती है। ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो बिहार के सीतामढ़ी का है, जिसमें बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई थी। लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंची थी, लेकिन तभी धमाकेदार आवाज के साथ बिजली गिरी, जिसके बाद लड़की जान बचाकर भाग गई, लेकिन कैमरे में बिजली गिरने की घटना रिकॉर्ड हो गई। बारिश के दौरान बिजली गिरना आम है, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी, लड़की जिस जगह पर वीडियो बना रही थी बिजली चंद कदम की दूरी पर ही गिरती दिखाई दी। लड़की को मौत मानो छूकर निकल गई, वो बाल बाल बच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोग अक्सर रौब झाड़ते हैं, लेकिन बालाघाट में एक महिला सरपंच अंग्रेजी झाड़ रही है। महिला वहां पर माहौल बनाने के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए इस सरपंच ने ठाना है बच्चों को अंग्रेजी सिखाना है, और इसके लिए इन्होंने पंचायत में शुरू कर दी है मुफ्त कोचिंग। आप भी देखिए। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी की कक्षा चल रही है, लेकिन ये कोई स्कूल या कोचिंग नहीं, और न ही बच्चों को पढ़ा रही ये मैडम कोई टीचर है। अंग्रेजी की ये क्लास पंचायत भवन में चल रही है, और बच्चों को पढ़ा रही ये महिला यहाँ की सरपंच है। बालाघाट के ग्राम पंचायत चरे गांव की तस्वीरें हैं ये। यहाँ की महिला सरपंच मीना बिसेन ने अनोखी पहल की है। मीना बिसेन बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी की कोचिंग दे रही हैं। पंचायत भवन रोज सुबह 9 से 12 बजे तक इसी क्लास में बीतता है, लेकिन सरपंच मैडम शिक्षक क्यों बने? इनका कहना है कि जब गांव के बच्चे शहरों में जाते हैं तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से उन्होंने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। 17-18 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी जी, वहाँ मैं टीचर भी थी, 6-7 साल मैं प्रिंसिपल भी रही। तो मैंने सोचा कि जब मैं सरपंच बनूंगी तो अपनी सारी जो सीख है मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दूंगी, और वही मेरी कोशिश है। सरपंच मीना बिसेन पहले बालाघाट के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल थी और छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा और जीत कर सरपंच बन गई। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में निशुल्क शिक्षा देने का जिक्र किया था, और अब वे अपना वादा निभा रही हैं। 1 मार्च 2024 से निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग खोला है ताकि मेरे गांव के बच्चे यहां आकर शिक्षित हो सके। तो यूं सरपंच बच्चों की शिक्षिका बन चुकी है। मैडम की क्लास बच्चों को भी खूब भा रही है, इन्हें फ्री में अंग्रेजी सीखने को मिल रही है, बच्चे खुश हैं और मैडम की तारीफ कर रहे हैं। हमारे गांव में चरेगांव ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया ग्राम की समस्त छात्रों को पढ़ा रहे हैं, और मैं इस बारे में सरपंच महोदया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हमारे गांव के समस्त बच्चे खूब पढ़े लिखे और आगे अपने भविष्य को सुधारें। 30-40 बच्चे रोज आ रहे हैं और 2 घंटे की ये कोचिंग लेते हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है गाँव के लिए। कहते हैं जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मीना बिसेन तो पूरे ग्राम पंचायत को शिक्षित बना रही हैं। ये सरपंच के साथ ही शिक्षक का फर्ज निभा रही हैं। ये पहल वाकई शानदार है। श्रीनिवास चौधरी, News 18, बालाघाट। हाथियों की वजह से किसी की पढ़ाई रुक जाए, क्या ऐसा कभी सुना है आपने? सूरजपुर में कई बच्चों की पढ़ाई हाथियों ने रोक दी है। यहां हाथियों का ऐसा आतंक है, बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, शिक्षक भी स्कूलों में नहीं जाना चाहते। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात नई बात नहीं। हाथी कभी घरों को तोड़ देते हैं तो कभी फसल चट कर जाते हैं, लेकिन सूरजपुर में हाथियों ने हद ही कर दी है। यहाँ हाथियों का खौफ ऐसा है कि बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और परिजन उन्हें स्कूल भेजने से डरते हैं। प्रदेश में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दर्जनों स्कूलों में दहशत का माहौल है। छात्र से लेकर शिक्षक तक सभी हाथियों से डर रहे हैं। बच्चों को जो है जब हाथी आ जाता है एरिया में ना, तो हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजे तो किस रूट से भेजें, कैसे भेजें। हम लोगों को मतलब ये परिस्थिति हो जाता है ना कभी कभी कि बच्चों को शाम को लेने आना पड़े, सुबह जो है पहुंचाना, 2-4 बच्चे हो गए उनके किसी एक अभिभावक जो है कि भाई हाथी आ गए हैं तो जाओ बच्चों को जो है लेके आना साथ में। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में सालों से हाथियों का ठिकाना है, हाथी आए दिन यहाँ आतंक मचाते हैं। ऐसे में जरूरी सवाल यह है कि स्कूलों में सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, लेकिन यहाँ स्कूलों में बाउंड्री वॉल तक नहीं है और ना ही फेंसिंग की गई है। छात्र, शिक्षक और अभिभावकों को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ मेरे को लगभग हो गया 20 साल,
20 साल से आप यहाँ जो हालात देख रहे हैं हाथी सरपंच क्षेत्र, कितना चुनौती रहता है आप लोग को, बच्चों को? बहुत ज्यादा चुनौती रहता है सर। हम लोगों का जब सुन जाते हैं ना कि हाथी आ गया है तो हमको हमेशा भय रहता है, बच्चे लोगों का चिंता रहता है। इलाके में स्कूल तो बना दिए गए हैं लेकिन स्कूलों में हाथियों से छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश भर के स्कूलों में रौनक है लेकिन यहाँ के स्कूल खाली है। पहला चीज तो जैसे हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग वन विभाग से सतत संपर्क करके भी बच्चों को अलर्ट रखते हैं, गार्जियन को अलर्ट रखते हैं। जरूरत पड़ता है तो स्कूल को हम लोग बंद भी करना पड़ता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। और बाउंड्री वॉल्स वहाँ पे लगभग, तो जैसे प्रतापपुर का एरिया है विशेषकर, ये कोटिया बगड़ा और गणेशपुर का क्षेत्र, वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजे हुए हैं शासन को। तो यूं हाथियों ने पढ़ाई पर ब्रेक लगा दिया है। अगर बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं तो फिर स्कूलों का क्या मतलब है? हाथियों के डर से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे लेकिन स्कूलों में बाउंड्री तक नहीं बनाई जा रही। वरुण रॉय, न्यूज 18, सूरजपुर। गुरुग्राम में दो लड़कियों कविता और अंजू की हुई शादी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। समलैंगिक जोड़े की शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह निभाई गईं जैसे आम शादी में निभाई जाती हैं। अब उनका मकसद परिवार बसाना है जिसके लिए वो बच्चा गोद लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुई एक शादी काफी चर्चा में है। यहाँ एक महिला ने दूसरी महिला से शादी की है। गुरुग्राम की रहने वाली 30 साल की अंजू शर्मा की शादी हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली 30 साल की कविता से हुई है। बिल्कुल, क्योंकि हम तो 4 साल से एक साथ ही रह रहे हैं तो ये डिसीजन हमने बहुत सोच समझ के लिया है। और मतलब 3 महीने या 2 महीने कुछ दिनों हमारी शादी को हो गए हैं तो हम लोग खुश हैं, साथ में ही हैं और अपने इस फैसले से बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं हमें और आगे देखो भविष्य में जो भी है आगे का अच्छा ही होएगा। हम एक दूसरे को धोखा देने वाले तो हैं नहीं। जी, समलैंगिक जोड़े की इस शादी में सभी रस्में ठीक उसी तरह निभाई गई जैसे आम शादी में निभाई जाती है। दोनों का जयमाला भी हुआ और साथ फेरे लेकर मांग में सिंदूर भी भरा। अपने परिवार और लगभग 80 मेहमानों की मौजूदगी में अंजू और कविता 24 अप्रैल को गुरुग्राम की छोटी पंचायत धर्मशाला में पूरे धूमधाम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध गई। कोई दिक्कत नहीं आई बट मेरे को जो डर था सबसे ज्यादा मेरी बिल्डिंग का था कि कोई आके खड़ा नहीं हो जाए, हमारे बच्चों पे क्या वो होएगा, असर होएगा। और लोग बाग अभी समाज में कुछ बोलते भी हैं कि आप लोगों ने क्या किया है, गंदगी कर दी, मतलब बहुत कुछ आता है। फेस टू फेस कोई आके नहीं बोल रहा है। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू एक एक्टर है। फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाली कविता 2020 में अंजू के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करने आई। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आई। बाद में दोनों ने रिलेशनशिप में आने का फैसला किया। अंजू का कहना है कि बीते 4 साल से सुख में दुख में साथ रहे हैं, अब जीवन भर साथ रहेंगे। 4 साल में हम दोनों बस सिर्फ 2 ही बार अलग हुए हैं। एक बार मैं गुड़गांव गई इसको छोड़ के, एक बार ये मेरे को छोड़ के गई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी चलती रही और साथ में कुछ ऐसे मेरे हादसे भी हुए मेरे साथ, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया था सबने। इस शादी में सबसे ज्यादा समाज के तानों का डर दोनों को था। हालांकि दोनों दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कविता का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को भला बुरा कहा जा रहा है। ये तो पता था कि शादी के बाद वीडियोस बहुत वायरल होगी क्योंकि ये सब तो होना ही था। भाई को पापा को बोला जा रहा है वो थोड़ा गलत लगता है तो मैं उनके वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ। तो बहुत बुरा लगता है जब उनको, एक छोटा सा 1.5 साल का बेबी है, भाई का बेटा है तो उनको बोलते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे, पापा को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को भी नहीं छोड़ रहे। कविता और अंजू ने बताया कि उनका मकसद अब परिवार बसाना है। हालांकि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है इसलिए दोनों के लिए बच्चा गोद लेना आसान नहीं होगा, लेकिन कविता का कहना है कि भविष्य में अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगी। अभी हम सोच रहे हैं थोड़े टाइम बाद, अभी तो शादी को 2 ही महीने हुए हैं तो आगे चल के सोच रहे कि एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे अनाथ आश्रम से। भले ही समाज इस शादी को मान्यता ना दे, कानून इस शादी को सर्टिफिकेट ना दे, लेकिन दोनों कपल अपने फैसले से बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
या कड़कड़ाती ठंड, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि यूपी सरकार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट पहना दिया है। कैसा है ये एसी हेलमेट और कैसे करता है काम, आइए देखते हैं रिपोर्ट। एसी वाला हेलमेट, जी हाँ, अगर आप बाइक चलाते हैं तो सोचिए अगर एसी वाला हेलमेट आपके पास हो तो भीषण गर्मी में आपको कितनी राहत मिलेगी। यूपी पुलिस ने अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट देकर उन्हें चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अपनाया है। लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी वाला हेलमेट पहनाया। भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये हेलमेट विशेष रूप से गर्मी और धूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन हेलमेट्स में कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पुलिसकर्मी लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में काम कर सकेंगे। इस हेलमेट में जहां एक मोटर लगी है वहीं सिर के पास पंखा है, आंखों के पास एक ट्रांसपेरेंट कवर है। गर्मी में अपना कार्य करते हैं तो उनको देखते हुए, उनकी कठिनाइयां को देखते हुए हम लोगों ने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया। सीएसआर के माध्यम से हमें एक कंपनी ने ये एसी हेलमेट दिया जिसे हैदराबाद की कंपनी ने बनाया। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये बैटरी है इसका, अगर इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 8 घंटा इसका बैकअप है और इसको ऑन करने के लिए सीधे आपने ये ऑन कर दिया, इसमें से आपको ये हवा आने लगी तो ये गर्मी में भी काम करेगा। ठंड में इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है, इसको थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑन हो गया, इसमें से गर्म हवा आने लगती है। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस खास हेलमेट का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी ने किया है। एक हेलमेट की कीमत करीब 12 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। इसमें लगी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 8 घंटे तक चलती है। इस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे उसके पर? इसके लिए चार्जर अडाप्टर है, सिंपल। एक बार कितनी देर चार्ज करने में कितनी देर चलता है? अगर फुल चार्ज कर लेते हैं तो 8 घंटे चलता है। तो ये मान के चले कि जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उस दौरान ये पूरा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये काम करेगा। तो यहाँ क्या आपने उस कंपनी को कैसे अप्रोच किया कुछ? अगर बेसिकली ये कंपनी को मतलब जो गर्मी अप्रोच कर रहा था तब हम लोगों ने डेमो के रूप में लगभग 5 से 7 हेलमेट मांगे थे। हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे यूज़ किया, उनका संतोषजनक रिस्पॉन्स रहा, फीडबैक। आपको बता दें कि सबसे पहले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में चौराहों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए एसी हेलमेट पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। इसके बाद लखनऊ में इसका ट्रायल किया गया और अब इसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया है। कानपुर पुलिस की एक नई पहल थी जो आज जमीन पर देखने को मिल रही है, वो संवेदनशील होंगे जनता के प्रति और खुद वो सुरक्षित भी रहेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। क्या आपने कभी किसी ढक्कन को डांस करते हुए देखा है? कानपुर में ये नजारा दिखा, यहां एक ढक्कन डांस करता हुआ नजर आया, लोग हैरान रह गए। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला। यहां पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीवर के ढक्कन को नाचता देखकर आसपास से गुजर रहे वाहन चालक भी सहम गए और वाहनों का आवागमन भी रुक गया। कानपुर में पिछले 2 दिनों में खूब बारिश हुई, इससे कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। कई स्थानों पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहते भी देखे गए। इस बीच कचहरी के पास स्थित सीवर के ढक्कन का अपने आप उछलना लोगों में कौतूहल का कारण बन गया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला तो तेजी से वायरल हो गया। वहीं इस बारे में जानकारों का कहना है कि सीवर के ढक्कन के इस तरह से उछलने के पीछे सीवर के अंदर काफी मात्रा में गैस भी बनती रहती है। जब बारिश में सीवर का पानी अचानक ऊपर की ओर आने लगता है तो सबसे पहले यही गैस ऊपर आती है। इस गैस के कारण ही ढक्कन कई बार पूरी तरह से खुल जाते हैं और कई बार गैस का प्रेशर कम होने के कारण उछलते रहते हैं।
और इसी के साथ ही सुपर सिक्स में आज के लिए इतना ही।